है एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोटीन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th. प्रोटीन लास्ट वीडियो में हमने अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस किया था बेटा. तो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड क्या था? एक कार्बन के साथ एक साइड से COOH ग्रुप जुड़ा है, दूसरे साइड से अमाइन ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और एक कार्बन की लॉन्ग चेन जुड़ी है. ये सिंगल आपका अमाइनो एसिड है, दैट वी कॉल्ड द मोनोमर. इसे हम बोलते हैं मोनोमर ऑफ प्रोटीन और यूनिट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसकी लंबी सी चेन बन के बहुत सारे मोनोमर जॉइंट होकर एक पॉलीमर बनेगा, दैट वी कॉल द प्रोटीन. तो ये जॉइंट किस तरह से होते हैं, इसके बेसिस पे प्रोटीन्स के टाइप्स आते बेटा. तो प्रोटीन इज नथिंग बट द चेन ऑफ द अमाइनो एसिड. सो वी कॉल्ड डेफिनेशन क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में, प्रोटीन इज चेन, नॉट सिंपल चेन, इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड. लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज द बेसिक नेचर, बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन, जिसे हम मोनोमर कहते हैं. तो अमाइनो एसिड की लंबी सी चेन अगर किस तरह से जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट होने के पैटर्न के ऊपर इट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरी. सो वी कॉल्ड इट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. हम इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन. कौन सा टाइप्स है प्रोटीन का, या कॉल्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर क्यों होंगे, क्योंकि उसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की वजह से, डिफरेंट फोल्डिंग की वजह से उसका ये स्ट्रक्चर आपके बने हैं. पहला है प्राइमरी प्रोटीन. प्राइमरी प्रोटीन, वाई वी कॉल्ड इट प्राइमरी प्रोटीन, बिकॉज इन प्राइमरी प्रोटीन देर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ द अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की एक सिंगल चेन होगी और दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, दैट बॉन्डिंग वी कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड. ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, तो एक लंबी सी चेन है, 20-25 अमाइनो एसिड की, 100 अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, दैट वी कॉल द प्राइमरी अमाइनो एसिड. क्या होगा, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी यहाँ पे है, नाइट्रोजन की यहाँ पे आपकी बनेगी एक सिंगल वैलेंसी, मींस NH2. ये जॉइंट, बहुत सारे NH2 जॉइंट होकर आपकी एक लंबी सी चेन बनाएंगे. सो सेकंड इज द सेकेंडरी प्रोटीन. यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, ओके, सेकेंडरी प्रोटीन. सेकेंडरी प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा, ये कहलाएगा NH, इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूट होगा NH. दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा स्ट्रक्चर और एक बीटा स्ट्रक्चर. अल्फा स्ट्रक्चर रहता है फोल्डेड फॉर्म में, रिपीटेशन ऑफ द फोल्डेड फॉर्म, एंड बीटा स्ट्रक्चर रहता है प्लीटेड फॉर्म, है ना. तो अल्फा स्ट्रक्चर लाइक जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज द अल्फा स्ट्रक्चर, एंड प्लेटेड स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा प्लेट्स जैसा बनेगा, जो एक दूसरे के ऊपर आप इस तरह से, अगर हम 3D बनाते हैं उसको, तो ऐसे प्लेट्स का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द बीटा स्ट्रक्चर, आई होप दिख रहा होगा आपको. ये देखो बीटा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जहाँ पे ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर इस तरह से फोल्डिंग आ जाती है इसकी. तो दिस इज द प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, बीटा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे. कौन सा प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन, एंड दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा प्रोटीन. ये इस तरह की कॉइलिंग होती है इसके अंदर, ये प्रॉपर दिख रहा है आपको, प्रॉपर कॉइलिंग नहीं हुई, ओके, इस साइड से हो रही है, ये कॉइलिंग हो रही है. तो ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दैट वी कॉल द अल्फा स्ट्रक्चर. दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं सेकेंडरी प्रोटीन में, अल्फा एंड बीटा. ये थोड़ा सा यहाँ से मिटा दूंगी, क्योंकि नीचे के स्ट्रक्चर भी हमें देखना है, ध्यान रखना है. ये इस तरह से होगा तो अल्फा होगा, अगर इस प्लीटेड फॉर्म में होगा तो बीटा होगा. थर्ड है टर्शरी प्रोटीन. टर्शरी प्रोटीन, एन, एन के पास तीन आपका बॉन्डिंग है,
तो तीन बॉन्डिंग है तो इसमें क्या होगा, अल्फा एंड बीटा का रिपीटेड स्ट्रक्चर आएगा। मींस ये एक आपका बीटा जॉइनिंग होगी एंड यहाँ पे एक अल्फा जॉइनिंग होगी, इसके साथ सेकंड वाले एंड पे और एक बीटा जॉइन होगी। मींस बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर एंड बीटा स्ट्रक्चर, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा जिसमें दो बीटा और एक अल्फा जॉइनिंग होकर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, तो ये कहलाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल हमने लास्ट अमाइनो एसिड में देखा था कि वैलिन अगर सिंपल जुड़ा, वैलिन इज द सिंपल प्रोटीन, एक जैसा लाइन में जुड़ा तो आपका सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। और सेकेंडरी प्रोटीन में आपका, उसमें भी हमने दो स्ट्रक्चर देखे थे जो सेकेंडरी प्रोटीन है जिसमें फोल्डेड फॉर्म आपका दिखता है। टर्शियरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है बेटा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन हमारे मसल्स में पाया जाता है एज वेल एज आपके WBCs के पास, RBCs के पास भी पाया जाता है। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। एंड लास्ट वाला है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनरी प्रोटीन, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगा, एन के ऊपर 3 और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज 4। इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा की चेन बनेगी। स्ट्रक्चर ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। मींस ये सपोज आपका ये 2 अल्फा, फिर इसके साइड में सॉरी 2 बीटा 2 अल्फा, अगेन ये 2 बीटा और ये 2 अल्फा, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा की चेन को ज्वाइन होके, एंड दैट प्रोटीन वी कॉल्ड द क्वार्टरनरी प्रोटीन। एग्जाम्पल है इसका हमारा हीमोग्लोबिन। ब्लड के साथ RBCs के ऊपर जो जुड़ा रहता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट वी कॉल्ड द हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये है टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। किस बेसिस पे हमने प्रोटीन को कैटेगराइज्ड किया है, टाइप्स दिए है कि किस तरह की चेन उसकी बनी है। चेन अगर सिंपल होगी तो सिंपल प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंक्रीज हो रही उसकी, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हमने उसको सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी प्रोटीन में डेराइव्ड किया है या अलग अलग कैटेगराइज्ड किया है। तो प्रोटीन के एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है बेटा। कौन से प्रोटीन है, हमारे मसल्स में प्रोटीन होता है एक्टिन एंड मायोसिन, पढ़ा होगा। आँखों के अंदर जो रेटिना है वहाँ पे रोडोप्सिन प्रोटीन होता है पिगमेंट। बॉडी के अंदर मेलानिन जो कलर प्रिपेयर करता है मेलानिन पिगमेंट है। बोन्स के अंदर ऑइस्टिन पिगमेंट है। दूध पीते हम, दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन है। दूध के अंदर ये प्रोटीन जो होता है वो कैसीन हो। हमारी जो मसल्स है, मसल्स के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो हमारी कुछ हमारी बॉडी में प्रिपेयर्ड होते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, और कुछ हम फूड मटेरियल के द्वारा लेते हैं। व्हाई, बिकॉज प्रोटीन इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। बचपन से पढ़ते आ रहे, छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हम कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि बॉडी की जो सेल्स है, बॉडी की जो इनर सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। हमने पढ़ा है हमारे बॉडी के आउटर साइड क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है, हमारी बॉडी में ढेर सारी सेल है और सेल सभी सेल के पास एक कोटिंग है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन क्यों, लिपिड एंड प्रोटीन है ना, लिपोप्रोटेनस मेम्ब्रेन बोलते हैं हम उसको, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। तो सेल का स्ट्रक्चर, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है अगर वो ही प्रोटीन की बनी है तो हम ये भी बोल सकते कि हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है। अगर ये सेल डैमेज हो जाती है, ये सेल अगर डैमेज हो जाती है तो उसको फिर से प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए तो सेल बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी तो सेल के अंदर जो इनर ऑर्गेनल्स है वो भी बनेंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इनर ऑर्गेनल्स सर्वाइव कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल द प्रोटीन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो हमारी बॉडी की जो हर एक सेल को है बनाता है। तो इसके बेसिस पे प्रोटीन के क्या फंक्शन आएंगे बेटा, है ना, बहुत सारे ढेर सारे प्रोटीन के टाइप्स हैं। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन में हम फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स हेल्प टू प्रिपेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम यही करता है, फाइट
against disease. क्यों? हमारी बॉडी में फाइट डिसीज से फाइट कौन करता है? WBCs करता है. WBCs क्या है? वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन लगा रहता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, वही आपका डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प करता है. आँखों के अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन रहता है एंड रोडोप्सिन प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर विजन. रॉड सेल और कॉर्न सेल जो आँखों में रहते हैं, रॉड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड कॉर्न सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो रॉड सेल से इमेज बन रही है और रोडोप्सिन पिगमेंट आपका रॉड सेल को बना रहा है, मीन्स ये हमारी विजन पावर को भी इंक्रीज करता है. तो रोडोप्सिन जो प्रोटीन है हमारी विजन पावर को भी इंक्रीज करता है. मेलानिन फॉर्मेशन. मेलानिन क्या है? मेलानिन ये पिगमेंट है. कहाँ पे पाया जाता है ये पिगमेंट? स्किन में पाया जाता है और इनर ऑर्गन्स में भी पाया जाता है. तो इनर ऑर्गन्स को और स्किन को कलर करने का काम हमारा मेलानिन करता है. जो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन है, जो कलरेशन है, हम सब काले पीले नीले सब दिखाई देते, ऐसे कुछ नहीं दिखते, बस दो ही कलर दिखाई देते, ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक में बहुत सारे आपको कैटेगराइज दिखने को मिलेगी, जैसे हम सांवला कलर बोलते हैं, तो उसमें सांवले कलर में बहुत सारा इंटरमीडिएट कलर हम जो बोलेंगे उसमें बहुत सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. तो ऑल दीज आर ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट. देन नेक्स्ट क्या है और क्या हो सकता है हमारा प्रोटीन का फंक्शन? यूरिया फॉर्मेशन. यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है. यूरिया फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? लीवर के पास हो रहा है, जिससे हमारी यूरिन बनती है. एंड यूरिन क्या है? ये एक्सक्रीटरी मटेरियल इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में से गंदगी साफ करने का भी काम प्रोटीन करता है. एक्सक्रीटरी मटर बनाता है, यूरिया बनाता है, ये गंदगी साफ करता है. हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन. क्या होते हैं दोनों? एंजाइम एंड हार्मोन बोथ आर द केमिकल सब्सटेंस. एंजाइम्स आर हेल्प फॉर द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. तो बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए एंजाइम्स हेल्प करते हैं. एंड एंजाइम क्या है? एंजाइम किसके बने? प्रोटीन के बने. ऑल एंजाइम्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एक्ट्स एज ए एंजाइम. सभी के सभी एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करते, बट सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं. एंड वॉट अबाउट हारमोन्स? हारमोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द वेरी लिटिल क्वान्टिटी इन द बॉडी, बट दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग जगह पे जो अलग अलग फंक्शनिंग चलती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन, सभी के सभी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, जैसे एंजाइम को मैंने बोला कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने रहते, वैसे सभी हार्मोन प्रोटीन के नहीं बने रहते. कुछ स्टेराइड हार्मोन भी रहते, कुछ आपके लिपिड हार्मोन भी रहते हैं. तो इसमें से कुछ हार्मोन जो है वो हमारे प्रोटीन्स के बने रहते हैं. तो हार्मोन प्रिपरेशन के लिए भी आपका एज अ प्रोटीन वर्क करता है. इट इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, ये तो मैंने फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें बता ही दिया बेटा. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारी बॉडी सेल की बनी है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी है, तो ऑल ओवर हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसका बना है? वो प्रोटीन का बना है. एंड इट एक्ट्स एज अ कैरियर. कैरियर क्या होते हैं? कैरियर का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना. बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ चीज़ बन रही है, बट उस चीज़ की आवश्यकता उस जगह पे भी है और उस जगह से ज़्यादा किसी और जगह पे भी है. तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हेल्प करते हैं, जो मटेरियल्स हेल्प करते हैं, जो आपके कंपोनेंट हेल्प करते हैं, दैट वी कॉल द कैरियर. जैसे हार्मोन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हार्मोन जहाँ पे बनते हैं, जो हार्मोन जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे वर्क करेंगे तो वो अलग बात है. एक्जो आपके जो एक्जोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन बनाए जाते हैं, जहाँ पे बनते हैं वहीं पे फंक्शनिंग होता है. बट एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन बनाए जाते वो बनते कहीं और है, उसका फंक्शनिंग कहीं और होता है. तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, किसी चीज़ को होल्ड करने का, एक जगह से दूसरी जगह, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर डालना है हमें, तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा अंदर ली जाती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा है इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लगे हुए रहते. तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन
जो बाहर की तरफ लगे हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ लगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं, एंड दैट प्रोटीन एक्ट्स एज अ कैरियर। कैरियर मतलब जो सेल के बाहर की चीज़ें हैं वो अंदर डालेंगे, अंदर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो उसको बाहर फेंक देंगे, है ना। तो इस तरह का कैरियर का काम भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। इतने सफिशियंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है बट इतने सफिशियंट है अगर आप एग्जाम में लिखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हो तो। तो प्रोटीन बेसिक किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से। सो अमाइनो एसिड द मोनोमर ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड को जॉइन करने का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के ऊपर हमने प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर बनाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटीन कैसे बढ़ती गई? आपकी स्ट्रक्चरल पैटर्न से बढ़ती गई। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो सबसे सिंपल, सेकेंडरी प्राइमरी की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, टर्शरी उसकी तुलना में और कॉम्प्लेक्स, एंड क्वार्टरनरी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो क्वार्टरनरी का जो एग्जांपल है हमारा हीमोग्लोबिन, टर्शरी का जो एग्जांपल है हमारा मायोग्लोबिन जो मसल सेल्स में भी पाया जाता है, जो WBCs RBCs में भी पाया जाता है। दिस इज़ अबाउट प्रोटीन। आई होप यू क्लियर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मे बी वो लिपिड होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर आपको बहुत सारे आपके वीडियोस डले इस चैनल के ऊपर, बट क्या होता है जब हम YouTube पे सर्च करते हैं तो हमें इजीली नहीं मिल पाती, तो अगर आप पर्टिकुलर वीडियो को देखना है, पर्टिकुलर वीडियो पे जाना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सभी आपके जितने भी इस चैनल पे अभी तक जितने भी वीडियो डले सभी वीडियो भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स जो है पैटर्न में वो नोट्स भी मिल जाएगी, एज वेल एज मेरे द्वारा कुछ माइक्रो नोट्स बनाई गई है जिसमें NCERT का कंटेंट है। NCERT का जो पर्टिकुलर लेसन है पूरा शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाया गया है जो आपको लर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस नोट्स के द्वारा अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो मे भी तुम्हारे स्टडी में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एवरीवन।